मकर संक्रांति के अवसर पर पुण्य पावनी नर्मदा नदी के तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, जहां लोगों ने उत्तरायण हो रहे सूर्य के दर्शन किए और नर्मदा नदी में डुबकी लगाई। डिंडोरी में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर धर्म लाभ अर्जित किया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पवित्र नदी नर्मदा में स्नान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है, जिसको लेकर जिले के लगभग 20 नर्मदा तटों में मेले का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के डैम घाट में आज नर्मदा भक्तों का तांता लगा रहा। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त 2 दिन तक होने से हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना कर अन्न दान के साथ ही विशेष रूप से तिल और गुड़ के साथ रुपए पैसे का दान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। निश्चित इस बार जो है हर साल कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती थी मकर संक्रांति में, जो है चेंजिंग रूम में कपड़े बदल सके और भी साफ सफाई, आप लगातार जो कलेक्टर साहब की एक मुहिम है मैया अभियान, उसके तहत आप देखें हम पूरा नगर पंचायत लगा हुआ है, पूरा शहर लगा हुआ है मैया अभियान में, और जगह जगह आप सभी घाटों में देखिए बिल्कुल अलग स्वच्छता दिखाई दे रही है। इस बार की मकर संक्रांति में लोगों में उत्साह दिख रहा है स्वच्छता को लेकर। निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो एक अलग जगाई थी 1 महीने पहले से, उसको लोगों ने अब अपने आचरण में शामिल करके अपने आप को सिद्ध कर दिया कि माँ नर्मदा की स्वच्छता और माँ नर्मदा की पवित्रता बनाए रखने का दायित्व तो हम सब पे है। और इस मकर संक्रांति में विशेष रूप से जो उत्साह दिख रहा है लोगों में स्वच्छता को लेकर, और स्वच्छता के साथ मकर संक्रांति जैसे महान पर्व को यहाँ मनाया जा रहा है। डिंडोरी जिला प्रशासन की पहल पर चलाए जा रहे मैया अभियान के तहत सभी जगह सफाई नजर आई, लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी लगातार अपील की गई। सभी के सहयोग से इस बार का नजारा बदला हुआ दिखा। त्योहार है जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने डिंडोरी के नर्मदा घाटों में साफ सफाई की हुई है, वहीं नर्मदा तटों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।